फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हॉट रेसिपी चैनल। आज हम बची हुई रोटी से नाश्ता बना रहे हैं, ज़बरदस्त नाश्ता बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ली है 4 रोटी इस तरह से। तो अभी इसे हम साइड पे रखते हैं। अभी हमने एक कटोरी भर के बेसन लिया है, तो इसे इसमें डाल देते हैं। साथ में अजवाइन, आधा टी स्पून अजवाइन और 1 टी स्पून जितना रोस्टेड तिल। साथ में 5-6 लहसुन, इसे अधकचरा कर दिया है, वो डाल देते हैं। 1 छोटा वाला प्याज, इसे छोटा छोटा काट लिया है, वो डाल देते हैं। साथ में डालते हैं नमक स्वादानुसार, हींग, धना पाउडर, नॉर्मली जो मसाले वही हम यूज करेंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, लेमन जूस, इससे भी टेस्ट बढ़िया से आएगी। साथ में डालते हैं शक्कर, ऑयल, अभी जितनी भी सामग्री हमने ली है ना, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अभी इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके जो बैटर में बनाना है वो गाढ़ा बनाना है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पहले ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो आपको चने का आटा वापस मिक्स करना होगा। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बना लेते हैं। देखिए, इसे इस तरह से हमने गाढ़ा बैटर बना दिया है। अभी इसमें 1 चुटकी हमें सोडा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, तो इसे भी हम चला लेते हैं। आप कंसिस्टेंसी दे सकते हो, इतना ही हमें गाढ़ा चाहिए। अभी इसे हम रखते हैं साइड पे और जो हमने रोटी ली है वो ले लेते हैं। अभी इस तरह से जारी वाली छलनी होगी तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। अभी इसे ऑयल से हमने ग्रीस कर लिया है, तो एक रोटी इस पे रखेंगे। या फिर इस तरह से आप डिश भी ले सकते हो, आप इस तरह से डिश रखिए, दोनों तरफ से भी आप कर सकते हो। इस तरह से रख दीजिए और इसे हमने जो बैटर बनाया ना वो डालेंगे। और इसे हमने अच्छी तरह से कवर करना है। बिल्कुल भी इसे हमने खाली नहीं छोड़ना है, एकदम बढ़िया से टेस्ट आएगी। चाहे तो आप इसे हाथ से भी लगा सकते हो। अभी इस तरह से लगा दिया है, तो उस पर दूसरी रोटी रखेंगे। यही सेम प्रोसेस। इस तरह से भी अगर रेसिपी मिलती है तो आप 2-4 रोटी ज़्यादा बनाओगे, क्योंकि लगती इतनी बढ़िया सी है। इस तरह से मैं तीसरी रोटी को भी लगा लेती हूँ। अभी चारों रोटी को हमने कवर कर दिया है, तो ऊपर से हम डाल देते हैं तिल।
अभी चलते हैं गैस की तरफ। अभी पानी हमारा गर्म होना स्टार्ट हो गया है तो इसी समय हम डाल देते हैं इस पर इस तरह से, और इसे हम कवर कर लेते हैं और गैस का फ्लेम हम हाई कर देते हैं। 12 से 15 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। बीच बीच में एक बार इसे चेक कर लेते हैं, 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये चप्पू लेना है, इस तरह से करना है। लेकिन ये देखिए अभी इसे आटा लग रहा है, मींस ये कच्चा है, तो कम से कम इसे 12-15 मिनट तो भी लगते हैं। तो इसे वापस हम कवर करते हैं, अभी इसे वापस चेक कर लेते हैं। खुशबू बढ़िया सी आ रही है, इस तरह से हम चेक कर लेते हैं, पूरा अंदर तक जाने देंगे। अभी थोड़ा सा लग रहा है तो अभी इसे और 2 मिनट पकाएंगे, मीन्स कम से कम 12-15 तक मिनट तक इसे पकाना होता है। तो अभी वापस कवर करते हैं और इसे 2 मिनट वापस हम पकाते हैं। अभी देखिए ये इसे अच्छी तरह से हो गया है, तो गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ और इसे निकाल लेते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। अभी ये थोड़ा ठंडा हो गया, इसे हम टच कर सकते हैं, इतना ठंडा हो गया है। तो चाकू जो है इसे हम तेल में थोड़ा कर देते हैं और इस तरह से हम काट देते हैं। आपको जैसे ही पीस बनाना है आपके मन के हिसाब से आप बना सकते हो। देखिए इस तरह से हमने पीस बना दिए हैं, देखिए किस तरह से बने। अभी चलते हैं गैस की तरफ। देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है। अभी इसमें डालते हैं ऑयल। आप डीप फ्राई, शेलो फ्राई आपको जैसे पसंद है कर सकते हो, या ऐसे भी खा सकते हो तो भी बढ़िया से टेस्ट आएगी। हमने राई डाल दी है, इससे साथ डालते हैं करी पत्ता, ये सूखा करी पत्ता है, साथ में डालते हैं हींग। हम इस तरह से चला लेते हैं, राई हमारी अच्छे तरह से हो गई है, तो इस तरह से हम एक एक पीस रखेंगे। वैसे आप ऐसे भी खा सकते हो तो भी ये बढ़िया टेस्ट आएगा, पर अगर इस तरह से फ्राई कर देते हो तो और दुगुना टेस्ट बढ़ जाता है। अभी इस तरह से हमने रख दिया है तो इसे हम एक साइड से होने देते हैं, उसके बाद धीरे से हम दूसरी साइड पलटाएंगे। सिर्फ 2 ही बार पलटाएंगे वरना ये इतना नाजुक है कि टूट जाएगा। तो एक तरह से अच्छी तरह से इसे ब्राउन होने देते हैं। अभी इसे हम एक एक करके पलटाएंगे। देखिए इसे ये किस तरह से ब्राउन हो गया है, इस तरह से हमें करना है। बस इसे 2 ही बार पलटाना है, ज़्यादा नहीं करना है, पर ध्यान से करना है। इस तरह से मैं सब पलटा लेती हूँ। अभी ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से हो गए हैं, क्रंची हो गए हैं, तो गैस का फ्लेम करते हैं बंद और इसे सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। देखिए ये कितने बढ़िया से बने हैं, क्रंची एकदम। ये देखिए जो दूसरी साइड है वो भी अच्छी तरह से हमने कर ली है, मैं आपको पास से बताती हूँ। ये देखिए
पूरा मैं आपको बताती हूँ। ये नीचे से भी क्रंची हो गया है, अभी इसे हम सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर करते हैं। अभी इसे हम सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। इतना बढ़िया सा है। अगर इस तरह से नाश्ता मिलता है तो आप एक्स्ट्रा रोटी जरूर बनाएंगे ताकि इस तरह से हम बना सकें। देखिए लेफ्ट ओवर रोटी से ज़बरदस्त नाश्ता है। तो ऐसा नाश्ता मिलेगा तो कौन मना कर पाएगा, कोई मना नहीं कर पाएगा। आप ऐसे ही खा सकते हो या चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो या फिर आपको जैसे भी पसंद है आप इसी तरह से खा सकते हो। चटनी के साथ खा, टमाटर सॉस के साथ खाइए। ये देखिए लेयर कितनी बढ़िया से पूरा चार के चार रोटी में पूरा हमारा इस तरह से आ गया है और कितना बढ़िया सा सुंदर है। तो इस तरह से ज़रूर बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए और इस तरह से ज़रूर बनाइए। एकदम ज़बरदस्त रेसिपी है और सबको पसंद आएगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और आप किस तरह से बना रहे हो मेरे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।